subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुकसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की नई किस्म पाकिस्तान पहुंच गई, कराची में केसेस रिपोर्ट हो गए। कोरोना वायरस ने मजीद 63 जिंदगियां निकल ली, एक ही दिन में मजीद 1776 नए मरीजों की तशखीस हुई है। विफाकी काबीना ने नैब और अमरीकी FBI के दरमियान मुहायदे की मंजूरी दे दी। नैब ने मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए FBI के साथ मुहायदे का फैसला किया है, जिसके तहत मालूमात का तबादला किया जाएगा। कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया है, गलियों में बुलंद इमारतें तामीर कर दी गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई आफत आई तो आधा कराची खत्म हो जाएगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के मामले पर सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए अदालत से राय तलब की थी। अपोजिशन का बयानिया दम तोड़ चुका है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना से मजीद 63 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 9992 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,75,085 हो गई। बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म मुमकिन तौर पर सिंध में भी रिपोर्ट हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 63 अफराद जाँबहक हो गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 9,000 से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वबा के बाएं जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,666 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई COVID-19 टेस्ट की तादाद 66,19,983 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,776 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,75,085 हो गई है। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 39,599 हो गई है, जबकि 2,259 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँबहक हो गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जाँबहक होने वाले अफराद की तादाद 9,992 हो गई है। NCOC के हुक्काम ने बताया कि कोरोना से एक दिन में 1,602 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,25,494 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाली वफाकी काबीना के इजलास ने नैब और अमरीकी खुफिया इदारे FBI के दरमियान मुहायदे, नौशहरा में रेलवे ज़मीन पर इमारत की तामीर, गिलगित बल्तिस्तान में टम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए FC की तैनाती की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने नैब और अमरीकी खुफिया इदारे FBI के दरमियान माहदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने कौमी एहतसाब ब्यूरो और अमरीकी इदारे FBI के दरमियान एक माहदे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में नौशहरा में रेलवे ज़मीन पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में टम्बर माफिया के खिलाफ इकदाम के लिए
फ्रंटियर कोर की 3 साल के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी। इजलास में इस्लामाबाद में कोरोना आइसोलेशन अस्पताल को फाल करने के लिए फंड्स जारी करने, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स की तैनाती और कायम मकाम चेयरमैन FBR की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तौसी की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना के इजलास में मुल्क में गैस की लोड शेडिंग के मामले पर इजलास में तफसीली बहस हुई। मुआवन खसूसी नदीम बाबर ने वजीर आजम और काबीना अरकान को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने इक्तिसादी राबता कमेटी के 24 दिसंबर के फैसलों और निजकारी कमेटी के 24 दिसंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची से तजावुजात हटाने के केस में वजीर आला सिंध की सरजनिश करते हुए मुराद अली शाह को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया है, गलियों में ऊंची इमारतें बनाकर पूरा शहर तबाह कर दिया गया। अदालत उज़्मा ने शहर कायद से तजावुजात के खात्मे के केस में वजीर आला सिंध को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अदालत उज़्मा कराची रजिस्ट्री में जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तजावुजात के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती तलबी पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमने आपको रिपोर्ट जमा कराने का कहा था, 2019 में हुक्म किया, अब तक इस पर अमल दरामत ना हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किडनी हिल पार्क 2 दिन में बहाल ना हुआ तो जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी माल कमाने वाला इदारा बन गया है, अगर कोई आफत आई तो आधा कराची खत्म हो जाएगा। समाअत के बाद अदालत उज़्मा के बाहर ज़राए बलाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस को मुतमईन करने की कोशिश की, तजावुजात को हटाने का इख्तियार KMC और DMCs का है। इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है, कराची में KMC का है, DMCs का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। इस जमन में अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट के जरिए करवाने के मामले पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। ख्याल रहे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। रेफरेंस में सेनेट के इलेक्शन ओपन बेल्ट के जरिए कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की तजवीज पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की मंजूरी दी थी। रेफरेंस में कहा गया कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया बेल्टिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में काला धन इस्तेमाल होता है, जिससे ऐवान बाला के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठते हैं। सेनेट का इलेक्शन ओपन बेल्ट के तहत होने से इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी। इस अहम आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को आवाम का भरपूर एतमाद हासिल है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कहने पर मुस्ताफी नहीं होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को आवाम का एतमाद हासिल है, वो PDM के कहने पर क्यों मुस्ताफी होंगे। PDM वाले 31 जनवरी का इंतजार ना करें, उन्हें जो फैसला करना है अभी कर लें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PDM के एहतजाज जलसों से ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और अपोजिशन की 31 जनवरी की डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत को दबाव में लाने के लिए जो बयानिया तश्कील दिया था वो दम तोड़ चुका है। वजीर खारजा कहते हैं कि PDM कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकालने जा रही है, सोचने की बात यह है कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई,
दरअसल ओपोजिशन आवाम को धोखा दे रही है। वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल के हवाले से हमारा मौकफ वाज़ेह और दो टोक है, हम इस पर आज भी कायम हैं और अब तो इसराइल ने भी वजाहत कर दी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौलाना अजमल कादरी का बयान तहलका खेज और वजाहत तलब है। नून लीग की क़यादत को बताना होगा कि मौलाना अजमल कादरी किस एजेंडे पर और क्या पैगाम लेकर इसराइल गए थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।